चौथे थे हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस जो थे इनका अपना रुझान अलग था, वालिद का रुझान अलग था। दे थे दोनों साबी, खुद भी साबी थे और वालिद भी साबी थे। हजरत अब्दुल्ला जो थे ना, इनका रुझान जोहर इबादत, इबादत का बहुत जोर था। वैसे इबादत का जोर सारे ही सहाबा में अजीबोगरीब था, यानी इतनी कसरत से तिलावत करते थे और नवाफल पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह। इन्हें मना करना पड़ता था ऐसा ना करो। तो जिन सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा इबादत करने से मना किया ना, उनमें एक अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस भी हैं। इनको इबादत का इतना शौक था, अल्लाह ताला उसका असर असीर भी हमें नसीब फरमा दे तो हमारे लिए इबादत करनी मुश्किल नहीं रहेगी। ये किसी किसी को आदमी ये ज़ौक नसीब फरमाता है कि उनको आप देखेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब भी अजान होती थी वो अजान से पहले मस्जिद में होते थे, यानी मस्जिद में आने वालों में सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और जाने वालों में सबसे आखिरी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कितने मसरूफ़ थे और इबादत का ज़ौक कैसा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को भी इबादत का बड़ा ज़ौक था। और यानी एक दफ़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि मुझे तुम्हारे बारे में ये खबर मिली है कि तुम पूरा दिन हमेशा रोज़ा रखते हो और पूरी रात इबादत करते हो। तो हजरत ने जवाब में फरमाया अब्दुल्ला ने अमर बिन आस ने, जी हाँ मैं रात को इबादत करता हूँ और दिन भर रोज़ा रखता हूँ। कितना शौक होगा, हम तो दिन को रोज़े की तौफीक मिल जाए तो इसी को बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं, और या रात की दो रकतें मिल जाएं तो बस आदमी कहता है कि मैं तो हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि चूहे को ना हल्दी मिल गई थी, हल्दी का एक टुकड़ा, तो उसने जर्नल स्टोर कायम कर लिया था, अंदर एक हल्दी रखी हुई थी कि अंदर सामान मिल गया उसको, तो उसके लिए बहुत था मुश्किल से, तो उसको घसीट कर लाया, जनरल स्टोर खोल लिया। सो अगर हमें तहज्जुद की दो रकतें नसीब हो जाए ना तो बिल्कुल मुराकबे में बैठ जाते हैं इल्हाम की इंतज़ार में कि आज कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से इल्हाम होना चाहिए कि दो रकत नमाज पढ़ी। सहाबा में ऐसी बात नहीं थी, इतनी इबादत सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला दिन भर रोज़ा रात भर इबादत, दिन भर रोज़ा रात भर इबादत। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर फरमाया ला तफाल, ऐसा न करना। हदीस में है कि एक दफा तीन साहबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला से पहले पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत क्या थी, क्या इबादत करते हैं। इनके जहन में क्या था कि जो ही घर में दाखिल हुए बस मुसल्ला होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सजदे में ही होते होंगे। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप तो घर में जब तशरीफ लाते हैं तो खाना भी खाते हैं, हमसे गपशप भी लगाते हैं, आराम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, सारे काम करते हैं। तो हदीस में है कि अन्नहुम तकालुहा, इन साहबा ने आपकी इस इबादत को थोड़ा सा अपने गुमान में कम समझा और कहने लगे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम इस तरह जाकर सोए रहें। तो एक साहबी ने कहा कि मैं आज के बाद कभी सोऊंगा नहीं, रात भर इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं रोजे रखूंगा तसलसल के साथ, हमेशा रोजे में रहूंगा। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह तफसील बतलाई तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने ये बातें कही हैं,
ये समझे कि हुजूर बहुत खुश होंगे कि हमने बहुत अच्छा कहा है, मैंने शादी नहीं करनी, इबादत करनी है, मैं रात को सोऊंगा नहीं, इबादत करूंगा, मैं रोज़ा रखूंगा, तो हुजूर खुश होंगे कि मेरे चाहने वालों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा हो गए, नाराज हुए, इरशाद फरमाया अना आलमकुम बिल्लाह व अतकाकुम, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह की मारफत रखता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा खौफ खुदा रखता हूँ, मैं तो खाता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं सोता भी हूँ, मैं जागता भी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, तो मैंने तो ऐसी कोई चीज़ अपने ऊपर लाजम नहीं की हुई, आपने कैसी क्यों की हुई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला को आपने इरशाद फरमाया इन्ना लिनफ्से का अलैहि का हक वले आईने का अलैहि का हक वले ज़ौरे का अलैहि का हक वले ज़ौजे का अलैहि का हक, देखो तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारा अपना तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम पे हक है, आराम भी किया करो, और मेहमान का भी अपना हक है, तो इस तरह तुम इन हुकूक को अदा करो, इसका नाम दीन है। ये जो तुमने सिस्टम शुरू किया हुआ मुसलसल रोज़े रखने का और रात भर जागने का, ठीक नहीं है, इसे आप में मना फरमा। इनका एक ख़ास वसफ़ क्या था? इबादत। उसके बराक्स इनके जो वालिद साहब थे हज़रत अमर बिन आस, अमर आइन की ज़बर के साथ, जब आइन की ज़बर के साथ आए तो रा के बाद वाओ लिखा जाता है, अगर वाओ हो तो ये समझ लो कि आइन पर ज़बर। आमतौर पर साथी कभी तालीम करवाते हुए पढ़ देते हैं अमरू रजियल, अमरू नहीं है वो, वाओ वैसे ही लिखा हुआ है बताने के लिए कि पीछे आइन पर ज़बर है, उमर नहीं है, अमर है, वाओ साकन। अगर आप आइन पर पेश पढ़ेंगे तो रा के बाद फिर वाओ नहीं होगा, उमर बिन खत्ताब, वहाँ रा के बाद वाओ नहीं लिखा जाता, और जहाँ अमर पढ़ेंगे रा के बाद वाओ लिखा हुआ होगा। तो हजरत अमर बिन आस, उमर नहीं, अमर बिन आस, इनकी ख़ास सिफत ये थी कि ये सियासत में बड़े मशहूर थे, सियासी मैदान में, और बहुत शऊर रखते थे, बड़े दूरअंदेश थे, मसलहत को समझते थे और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक बात करते थे। आपको याद होगा नजाशी बादशाह के दरबार में जब ये पूरा वक्त चला गया था सहाबा कराम का, तो इधर से मक्का के सरदारों ने हजरत अमर बिन आस को भेजा कि इन लोगों को वापस लेके आओ। तो नजाशी बादशाह के दरबार में अमर बिन आस गए थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, जाकर कहा ये हमारे कुछ भगोड़े, हमारे कुछ भगोड़े आपके पास आ गए, इनको वापस करो। और एक ख़ास बात बतलाई, ये है सियासी, उसकी मजहबी असबियत की रग पे हाथ रखा, मजहबी तासुब पैदा किया। पता क्या कहा? ये जो है ना हमारे, ये ईसा को इंसान कहते हैं और तुम लोग तो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो, कितना बड़ा फर्क है, निकालो इनको। तो नजाशी बादशाह ने भी बहुत शऊर से काम लिया, उसने उनको बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है वो हजरत ईसा के बारे में, हजरत मरियम के बारे में क्या कहते हो? तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला ने खड़े होकर सूरह मरियम का दूसरा रुकू तलावत कर दिया, उसमें हजरत ईसा और मरियम का तस्करा तफसील से मौजूद है। तो बादशाह तख्त पे बैठा हुआ था, नीचे उतरा और उतरकर एक तिनका उठाया छोटा सा, कहा जो कुछ तुम्हारे कुरान में ईसा के बारे में कहा गया है इस तिनके से भी ज्यादा वो कुछ नहीं है, 100% दुरुस्त है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, नजाशी बादशाह मुसलमान था। ये अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे वफ्त लाने के लिए, उल्टा बादशाह मुसलमान हो गया।